देखो dx कितना माइनस टू और इस रो में dy कितना एक, माइनस टू को एक से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया माइनस टू, यहाँ लिख लेना है माइनस टू, फिर माइनस टू को तीन से मल्टीप्लाई किए कितना आ गया माइनस छः। इसी प्रकार ये एक है, इसके सामने dx कितना है माइनस टू और dy कितना है टू, टू माइनस टू को टू से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया माइनस चार, माइनस चार को एक से किया माइनस चार, छः माइनस के चार कितना आ गया माइनस दस, ठीक है। अब आगे इसमें ये तीन है, इसके सामने डी एक्स कितना है माइनस एक और डी वाई कितना है एक, एक को माइनस एक से मल्टीप्लाई किया माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन को तीन से किया माइनस तीन, फिर ये दो, इसके सामने कितना है माइनस एक और इधर दो, कितना आ गया माइनस टू और माइनस चार। इसके बाद आपने ऐसे सारे निकाल लेने हैं, माइनस तीन और माइनस चार कितना आ गया माइनस सात। अब आयो यहाँ पे, इसके सामने कितना है ये जीरो, इधर भी जीरो तो जीरो और ये जीरो, ये दस के सामने कितना है जीरो को एक से किया जीरो और ये जीरो, तो ये भी कितना आ गया शून्य। इसका अगर हम टोटल करेंगे ये आ जाएगा शून्य। इसके बाद क्या है ये यहाँ पे आ जाओ पाँच, इसके सामने कितना डी एक्स एक और डी वाई माइनस एक, माइनस एक को एक से किया माइनस एक, माइनस एक को पाँच से किया माइनस पाँच, चार के सामने कितना एक और इधर कितना जीरो जीरो, तो इसको किया जीरो, चार को किया जीरो से, माइनस पाँच और जीरो को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस पाँच, ठीक है। फिर इससे क्या है तीन और इसके सामने डी एक्स कितना है दो और डी वाई कितना है माइनस दो, कितना आ गया माइनस चार, माइनस चार को तीन से किया माइनस बारह, फिर इधर दो के सामने कितना है दो और डी वाई कितना है माइनस एक, कितना आ गया माइनस टू, माइनस टू को टू से किया माइनस फोर, माइनस बारह और माइनस चार कितना आ गए माइनस सोलह, ठीक है। अब इधर कैसे टोटल करेंगे, ये कितना है माइनस बारह, ये पाँच और चार माइनस नौ, जीरो माइनस छः और माइनस तीन माइनस नौ, माइनस चार और माइनस चार माइनस आठ। अब इनका टोटल करेंगे ये कितना आएगा आपका माइनस नौ, माइनस ये सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई, इसका अगर हम टोटल करते हैं तो ये आ गया माइनस थर्टी एट। इसका भी अगर हम जोड़ करेंगे सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई कितना गया माइनस थर्टी एट। अगर आपका इधर भी एफ डी एक्स डी वाई थर्टी एट है, इधर भी थर्टी, ये एक जैसा आता है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन जो है वो सही है। अब हम सूत्र लिखेंगे, ये टेबल मिटा रही हूँ, ये रकमें रख लेंगे हम, सूत्र क्या है R इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई अपॉन एन बटे सारे के सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वेयर बटे एन, और इधर क्या है सिग्मा एफ डी वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वेयर बटे एन का अंडर रूट। तो आर कितना आ गया सिग्मा एफ डी एक्स कितना है माइनस थर्टी एट, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स कितना है एफ डी एक्स सिक्स इंटू एफ डी वाई नाइन, एन कितना है फोर्टी बटे सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वेयर, एफ डी एक्स स्क्वेयर कितना है पचास माइनस छः का स्क्वेयर बटे चालीस इंटू एफ डी वाई कितना है फोर्टी सेवन माइनस नौ का स्क्वेयर बटे चालीस और इस सारे का
अंडर रूट। तो ये कितना आ गया, इसको हम देख के लिख लेते हैं, ये हमारा आ गया माइनस 38 माइनस 54 को 40 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आपका आएगा 1.35, ठीक है, बटे 50, 6 को सॉरी ये आए, ये कितना है एफ डी एक्स कितना है 6, 6 को 6 से किया, ये कितना आ गया हमारा 6 को 6 से किया 36, 36 को 40 से डिवाइड करके 50 में से अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 49.1 इंटू, इसको 9981 को 40 से डिवाइड कर 47 में से घटाएंगे तो ये आएगा 44.975 इसका अंडर रूट। तो ये आपका आ जाएगा माइनस 39.35 बटे इसको करेंगे 46.99, तो ये माइनस का आ गया 0.84। तो ये क्या है, ऋणात्मक उच्च श्रेणी का सहसंबंध पाया जाता है। तो ये कर लेना स्टूडेंट, थैंक्स स्टूडेंट्स।